तुषार, क्या हुआ? कशिश को तुम्हारी जरूरत है, उसके पास जाओ। तुषार, थैंक यू बेटा। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। थैंक्स। एक पल में बेटा कहती है और दूसरा ही पल थैंक्स बोलकर पराया कर देती है। मैं स्वयं को लेने जा रहा हूं। बेटा स्वयं आ ही रहा होगा। मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ, डील के बारे में बात करनी है। आप कशिश को संभालिए। कशिश, आई एम सॉरी, वो मैं इट्स ओके। वो क्या है ना, अचानक से तुषार समझ सकती हूँ अर्चिता, जब कोई अपना बिछड़ कर वापस मिलता है तो कैसा लगता है। अर्चिता एक बात बताओ, क्या तुमने तुषार से? नहीं, हाँ कशिश, वो क्या कहा तुमने उससे? एक्चुअली नहीं। लेकिन क्यों अर्चिता, जब तुम तुषार से सच्चा प्यार करती हो तो तुम उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता क्यों नहीं देती? इस तरह तुम अपने फीलिंग्स को क्यों छुपाए रखी हो? यू नो व्हाट, एक्चुअली मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम्हारी जगह उस लैंडस्लाइड में मैं तुषार के साथ होती ना, तो शायद मैं अपनी सारी बात कह देती। नहीं अर्चिता, अगर तुम तुषार से सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। अपने प्यार का इजहार करने के लिए किसी को मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। अर्चिता का ये ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए और बाद में तुम्हें पछताना पड़े। जो भी हो, आज मैं तुषार को बताकर ही रहूंगी कि मैं उसे। Can you call the manager, उनसे कहना ऋषि करने वाला है। एक मिनट सर, आपसे मिलने मिस्टर ऋषि गिरवाल आए। ओके सर, वो अभी आ रहे। हेलो मिस्टर ऋषि गिरवाल। मैनेजर, आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे पास एक इंसान खड़ा था, क्या आप उसे पहचानते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? देखिए मैनेजर, उसका चश्मा गिर गया था जो मैंने उसे लौटा कर दिया। अब भी तो उस वही खड़े थे, एक एक पतला सा इंसान जो। ओह यस 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 यस, इट मींस आप मिस्टर वीके ओब्रॉय की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो 3 घंटे पहले यहाँ से चेकआउट कर गए। व्हाट, कहाँ गए हैं वो? अब देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि कहाँ गए हो। हाँ लेकिन वो यूएस से आए थे और शायद यूएस वापस गए हो। कुछ घबरावे से लग रहे थे और अपने कमरे में कुछ सामान भी छोड़ गए। मैं उसका सामान देखना चाहता हूँ अभी इसी वक्त। आई एम सॉरी मिस्टर गरेवाल, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, बट अकॉर्डिंग टू आर रूल मैं आपको किसी दूसरे कस्टमर का सामान नहीं दिखा सकता। देखिए मिस्टर मैनेजर, इस वक्त मेरी जरूरत आपके किसी भी रूल से बढ़कर है। मैं उसका सामान देखना चाहता हूँ अभी इसी वक्त, प्लीज। ओके। मिस्टर अग्रवाल, आप इस तरह से तलाशी नहीं ले सकते। बस और कुछ मत बोलना, मैं
मैनेजर मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना वरना। इसका मतलब तो स्वयं ने ये भरी। तुम आ गए? कैसे हो? I'm all right. कशिश भी ठीक है। हम लोग एवलॉन्च में फंस गए थे। यू नो तुषार, आज तुमने फिर से मेरी एक बार मदद की है कशिश को बचाकर। पता नहीं मैंने तुम्हारी मदद की या खुद अपनी। तुमने मेरे भाई को मारा। ऋषि, ऋषि क्या कर रहे हो तुम? ऋषि मैं बकवास कर रहा हूँ। लिसन टू मी ऋषि, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारी अस्थियां तो मेरे सामने आ गई। मुझे स्वयं से तुमने मेरे भाई को मारा। ऋषि मैं नहीं चल सकता। नहीं कोई नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा भाई। और अगर तुम सबूत लेकर आओगे तो कानून खुद स्वयं को सजा देगा। खुद फैसला करो, क्या मंजूर है तुम्हें? दुआ दो इसे। आज एक बार फिर इसने तुम्हें बचा लिया। आज तो मैं जा रहा हूं मगर सबूत के साथ वापस आऊंगा स्वयं। और उसके बाद ना तुम्हें तुषार बचा पाएगा, ना कानून, ना तुम्हारा। किसकी किस्मत साथ देती है बात में देखेंगे ऋषि। कशिश, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? पहले से बेहतर। अच्छा हुआ ना उस वक्त तुषार तुम्हारे साथ था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। न जाने क्या बात है उस लड़के में, जो पराया होकर भी इतना अपना सा लगता है, जैसे कोई गहरा रिश्ता हो उससे, बरसों की जान पहचान हो। मुझे तो हमेशा उसे देखते ही सुजल याद आता है। भगवान करे उसे सारी खुशियां मिले, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। मैं तुमसे तुम्हारा आज मांगता हूं कशिश, सारी जिंदगी के लिए। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो वो चाहता है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। भगवान आपकी बात कभी नहीं सुनेगा मम्मा, कभी नहीं। आज मैं तुषार को प्रपोज करके ही रहूंगी।
हेलो तुषार, मैं तुमसे तुषार, इस वक्त तुम घर आ सकते हो? अर्चिता, कोई जरूरी काम है? वो जो ट्रस्ट की फाइल्स है ना, वो मुझे चाहिए थी। बहुत इम्पोर्टेंट काम है मेरा, तुम वो लेकर आ जाओ। क्या बहुत जरूरी है? यहाँ बहुत काम है। तुषार, तुम वो फाइल्स लेकर घर आ रहे हो। इट्स एन ऑर्डर, ओके? ओके। बाय। गॉड, मामा घर पे है। किसी बहाने से मुझे मामा को बाहर भेजना पड़ेगा। ओके। अर्चिता, किससे बात कर रही थी? वो बस यूं ही कोई पुराना पेशेंट था। अर्चिता, मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, वो आपको रेवांटी के घर जाना था ना? हाँ जाना था, लेकिन शाम को चली जाऊंगी। क्यों? मॉम, यू सो बैड। आई मीन उन्होंने प्रॉमिस, नहीं नहीं आपने प्रॉमिस किया था आई सपोज ना, और आप प्रॉमिस तोड़ेंगी? मामा, प्रॉमिस तोड़ेंगी? अरे वाह, तुम प्रॉमिसेस के बारे में कितना सोचती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी किसी से कोई प्रॉमिस किया हो? नो मामा, ओ मैं तो बस यूं ही। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद अगर तुषार आए तो उससे कह देना कि तुम उसे प्यार करती हो। मैं जानती हूँ, माँ हूँ तुम्हारी, समझती हूँ तुम्हें। आई नो हाउ मच यू लव हिम। उसके पास लाइफ जाने बिना जिस तरह तुमने उसका ख्याल रखा, द वे यू टुक केयर ऑफ हिम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स। अब मैं चलती हूँ, और वैसे भी बूढ़ों को कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। मॉम, यू आर टू मच। That I am. और अर्चिता ध्यान रहे, अगर तुमने तुषार को नहीं बताया ना तो मॉम, मैं... चिल, मैं बता दूंगी। आपको देर नहीं हो रही अभी, है ना? अच्छा ठीक, बाय, एंजॉय। रिलैक्स मॉम, अब बिना वजह परेशान हो। मेरी छोड़, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है स्वयं? अगर ऋषि विकी तक पहुंच गया। विकी कहाँ है मॉम? विकी को आपने ऑलरेडी यूएस भेज दिया है। अब किसी को नहीं मालूम पड़ सकता कि सूजल का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। और वैसे भी मॉम, अब तो गरेवाल से हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है, और उसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बेटा, फिर भी क्या मॉम, आपको क्या लगता है गरेवाल अपने होने वाले दामाद को जेल भिजवाएंगे? कभी नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि रिश्ता जल्द से जल्द जुड़ जाए, फिर उसके बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नॉट इवन ऋषि। ये तुषार अब तक क्यों नहीं आया? कितनी देर हो गई? जानते हैं मिस्टर तुषार, आप दिखने में काफी भोले लगते हैं, पर है नहीं, बड़े शैतान हैं आप। मुझसे प्यार भी करते हैं और कहते भी नहीं। कोई बात नहीं मिस्टर तुषार, आज मैं आपसे सारी बातें कह दूंगी। अर्चिता, यही फाइल मंगाई थी ना तुमने? हाँ, यही फाइल तो थी। ये फाइल लेने तुम हॉस्पिटल भी तो आ सकती थी, फिर मुझे क्यों बुलाया? वो ये फाइल तुषार, वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहती थी, राइट? तुषार, तुषार के सामने आते ही क्या हो जाता है मुझे, क्यों नर्वस हो जाती हूँ मैं? मुझे क्या कहना था और मैं
तुषार, तुषार वो क्या हुआ? कुछ और काम भी था? क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम तुषार वो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि वो मैं ये कहना चाहती थी कि हाँ तो कहो, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन कंफ्यूजन की तो कोई बात नहीं है, वो तुषार मैं तुमसे ये कह रही थी कि मैं भूल गई, मैं भूल गई कि मैं तुमसे क्या कहने वाली थी। ठीक है, जब तुम्हें याद आ जाए तो मुझे फोन कर लेना। अब तुषार, तुषार आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे ये बात कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई, क्योंकि जब भी तुम मेरे सामने आ जाते हो ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना तुषार? तुषार, स्वयं तुमने मेरे बिग्बी को मुझसे अलग किया। आई विल किल यू, अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें स्वयं, कोई नहीं। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने वाले हो, पर अब तुम्हें सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।